हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर से मैं जीएस पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7 लेकर आपके सामने आई हूं। इसका एक पॉइंट जो महिलाओं से संबंधित था वो एक टॉपिक खत्म हुआ है। ये नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं उसकी क्या है। ये हम लोग UPSC मेंस 2018 की तैयारी कर रहे हैं। होप आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। हम जीएस पेपर 1 में सोशल इश्यूज से रिलेटेड कुछ टॉपिक और भूगोल के टॉपिक इस सीरीज में शुरू कर रहे हैं। प्लस हम लोगों ने जीएस पेपर 4 जो कि एथिक्स का पेपर है उसके लिए अभिवृत्ति हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसके काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग इतिहास जो कि वैकल्पिक विषय के रूप में जिन एस्पिरेंट्स ने लिया है उसके लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है नई, और जल्द ही उसकी वीडियोस मैं भी अपलोड करूँगी। काफ़ी मात्रा में वीडियोस तैयार हैं उसके और मैं अब जल्द जल्द उसे अपलोड करूँगी। तो जल्द ही इतिहास के वीडियोस भी मैं लेकर आ रही हूँ। तो होप आप हमारे चैनल पर जाइए, पूरा चैनल पर सर्च कीजिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सबके मटेरियल मिलेंगे, पर फिलहाल हमने जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 शुरू किया है। एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने हिस्ट्री पेपर शुरू किया है और सोशियोलॉजी जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और इसमें मैं कहना चाहूँगी, आप लोग PDF की मांग कर रहे हैं, PDF मैं साथ के साथ उसमें अपलोड कर दे रही हूँ। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, अब मैं टॉपिक कराने जा रही हूँ, ये इसका पार्ट 1 होगा। अब इसमें पार्ट 3 या 4 जितने भी पार्ट बनेंगे इस टॉपिक के, तो जब वो टॉपिक के पार्ट प्रॉपर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं उसका PDF, ताकि आप लोगों को एक ही साथ सारे PDF मिल जाएं। तो मैं अलग अलग PDF अपलोड नहीं करके जब चारों पार्ट या 3 पार्ट जितने भी इसके पार्ट बनेंगे वो अपलोड हो जाएंगे, मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूंगी। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होने पर मैं पूरी PDF उसकी एक साथ अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग बार बार PDF के लिए कमेंट ना कीजिए, क्योंकि मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, मुझे पता है अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मुझे आपको PDF देना है तो मुझे वो चीज़ करनी है। मैं टाइम से अपनी वीडियोस और PDF आप तक लाती रहूँगी, प्रोवाइड करवाती रहूँगी। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए हम जीएस पेपर 1 का टॉपिक जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं करते हैं। सबसे पहले हम जो पॉइंट कर रहे थे वो देख लेते हैं। हमने महिलाओं एवं महिला संगठनों की समाज में भूमिका, ये वाला जो टॉपिक है ये पहले मैंने 2 वीडियोस में बना के इसे कंप्लीट किया है, 2 पार्ट्स हैं इसके। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीएस पेपर 1 के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाके आप दे सकते हैं प्ले लिस्ट में। आज हम कराने जा रहे हैं जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं। अब इसका पहला पार्ट मैं कराऊंगी, इसके बाद ऐसे ही सीक्वेंस में आपका पूरा टॉपिक चलेगा, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। तो ये सारा साथ के साथ हम लोग शुरू करेंगे। अब इस जो टॉपिक हमने कराया जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम हमारी भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं करेंगे कि हमारी भारतीय जनसंख्या में क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि जो हमारे भारत में हो रही है इतनी ज़्यादा, उसके क्या परिणाम होते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के सुझाव क्या हैं, क्योंकि जो भी समस्याएं वो जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हैं, तो फिर हम उस पर सुझाव को भी डिस्कस करेंगे। और सरकारी नीतियाँ क्या क्या हैं, सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। और एक जो जनसंख्या नीति 2000 बनी हुई है, एक ये दूसरी जनसंख्या नीति है, पहली 1976 में बनी थी, तो ये दूसरी जनसंख्या नीति है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पेपर में पूरा। चलिए हम आगे करते हैं। सबसे पहले करते हैं जनसंख्या की विशेषताएं। तो हमारी भारतीय जनसंख्या में सबसे पहले ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। हमारा जो क्षेत्रफल है भारत का वो है करीब 2.4% पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का, 2.4%, बट जनसंख्या काफ़ी अधिक है क्षेत्रफल की तुलना में। तो भारत में जो कि चीन की जनसंख्या हम कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर है 1%, जबकि भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर है 1.64%। नेक्स्ट,
ग्रामीण जनसंख्या, भारत में शहरी जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 68.8% है, जबकि नगरीय आबादी 31.2% है। तो ज्यादातर लोग गाँव में बसते हैं इंडिया में। उच्च वृद्धि दर, उच्च जनसंख्या की वृद्धि दर है इंडिया के अंदर। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। 1.64% जनसंख्या की वृद्धि दर है, जो और देशों की तुलना में, विकासशील और विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है इंडिया में। और अगर ऐसी ही जनसंख्या वृद्धि दर चलती रही, काबू नहीं किया गया, तो अगले 20 से 30 वर्षों में बहुत ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्न लिंगानुपात। लिंगानुपात होता है लड़कियों और लड़कों की संख्या में जो अंतर होता है, उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत का लिंगानुपात काफी कम है, ये आप सभी को पता होगा। विश्व स्तर पर जहाँ औसत लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 986 महिलाएं हैं, वहीं इंडिया में 943 है, अकॉर्डिंग टू डाटा 2011। 943 लिंगानुपात इंडिया में इतना है। अधिक निर्भरता, अधिक निर्भरता मतलब है कि यहाँ पर लोग कमाने वाले कम हैं और उन पे डिपेंड होने वाले लोग ज्यादा हैं। आयु संरचना में जैसे कि आत्मनिर्भर लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, लोग एक आदमी कमाता है और 10 लोग बैठ के खाते हैं। तो भारत में जनसंख्या का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। नेक्स्ट प्रजातीय विविधता, ये सब आप लोग जानते होंगे कि भारत में कई धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी में मंगोलॉयड रहते हैं, उत्तर भारत में काकेशायड और दक्षिण राज्यों में नीग्रो प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई, भारतीय समाज में जनसंख्या की विशेषताएं, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये टर्म्स हम करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं वृद्धि के परिणाम। जनसंख्या अगर वृद्धि होती है तो उसके परिणाम क्या क्या होते हैं, इसके कारण हम बाद में करेंगे। परिणाम आप लोगों को ये वर्बली, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग खुद ही सोच के कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग खुद आंख बंद कीजिए और सोचिए कि अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो क्या क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले गरीबी बढ़ेगी, आप लोगों को अच्छे से पता है, ज्यादा जनसंख्या होगी तो लोग ज्यादा गरीब होंगे, क्योंकि डिपेंड लोग ज्यादा होंगे लोगों पर, आत्मनिर्भर लोग कम होंगे, तो फिर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बेरोजगारी, जॉब एक होगी और उसको चाहने वाले अगर 10 होंगे तो बेरोजगारी की स्थिति पैदा होगी। नेक्स्ट अपराधों में वृद्धि, कहीं जॉब जिसको नहीं मिलेगी तो वो अपने जीविका चलाने के लिए अपराधों में लिप्त होगा। नेक्स्ट स्वास्थ्य सेवाएं बाधित, अगर जहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, 2 लोगों के बिस्तर है किसी हॉस्पिटल में, वहाँ 10 मरीज आते हैं, तो फिर वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होंगी, कि इतना फैसिलिटीज हम जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना जुटा नहीं पाएंगे इसके अकॉर्डिंग। गुणवत्ता में कमी, इसका मतलब है कि अगर मानव संसाधन बहुत ज्यादा होगा, मनुष्य ज्यादा होंगे, तो लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी अच्छी तरह, और फिर उनकी गुणवत्ता में, काम करने की गुणवत्ता में कमी आएगी। नेक्स्ट पर्यावरण पर प्रभाव, ये आप लोगों को पता है, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ही ज्यादा धरती पर बोझ बढ़ेगा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन से फर्क पड़ेगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। आपदाओं का बढ़ना, ऑब्वियस है, अगर पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा तो आपदाएं बढ़ेंगी। अगर जल प्रदूषण होगा बहुत ज्यादा तो फिर बाढ़ आने की ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसी तरह जो भी चीजें होंगी, वॉल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा होगी तो आपदाएं ज्यादा होंगी, सूखा ज्यादा पड़ेगा तो आपदाएं ज्यादा होंगी जनसंख्या अधिक होने से। विकास कार्यों में बाधा, यदि जनसंख्या ज्यादा होगी तो थोड़े से ही आर्थिक सुविधा में बहुत लोगों थोड़ी सी आर्थिक सुविधा को बहुत लोगों में डिवाइड करना होगा, तो इससे बहुत ज्यादा विकास कार्य नहीं हो पाएगा, उसमें बाधा पड़ेगी। तो ये थे हमारे जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। ये तो मैंने आपको कुछ ही परिणाम बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे परिणाम आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे एफर्ट कीजिए, बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये टॉपिक आपको एसे में भी काम आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अभी से प्रिपेयर करके रखें कि ये टॉपिक हम एसे में भी यूज़ कर सकते हैं,
कहाँ कहाँ और चीजें यूज कर सकते हैं, आप अपना खुद का दिमाग लगाइए, माइंड लगाइए कि हम लोग कैसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग पे भी हम जल्द ही बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।